हम लोग मिराल से आए हुए हैं, एक घर पे करते थे, मंदिर में लॉकडाउन में नहीं गए हैं कहीं, तो खुली है ये, तो माँ का पूजा है इसलिए हम लोग आए हैं। माँ का दर्शन कर लिए? हाँ कर लिए, बहुत अच्छा लग रहा है माँ का दर्शन करके, पूजा करके। हाँ। इससे पहले भी कभी आए थे या फर्स्ट टाइम? नहीं, पहले भी आते हैं, हमेशा आते रहते हैं। ऐसा सोच के आए थे क्या, कुछ मनोकामना है जो आपका पूर्ण हुआ है या फिर आप लेके आए? हाँ, हर मनोकामना पूर्ण होता है जो भी यहाँ बोलते हैं। कुछ ऐसा मनोकामना है जो आपका पूर्ण हुआ होगा? नहीं, जो पूर्ण हुआ होगा। हाँ होता है, बहुत मनोकामना है ऐसे पूर्ण होता है यहाँ माँ का। बहुत जो हुआ हो जाते सब चीज होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़ और मैं मोहम्मद मुश्ताक। अभी गढ़वा जिला के विख्यात मंदिर गढ़देवी माँ के आंगन में हम लोग उपस्थित हैं और हम दिखाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कोरोना काल रहा दो साल से, जितना भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हो मस्जिद हो, सारे गवर्नमेंट का जो रूल था, जो गाइडलाइन था, वो बंद रखा गया था, लेकिन इस वर्ष जो है इसे खोलने का परमिशन है और काफ़ी जो भक्त लोग हैं वो आ रहे हैं। काफ़ी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये गढ़देवी माँ का जो प्रतिमा है। हालांकि जो भीड़ लगती है, जो काफ़ी लोग यहाँ पर जो है आते हैं, श्रद्धालुओं का, जो भक्तों लोगों का लाखों लाख की संख्या में भीड़ लगी रहती है, लेकिन अभी हालांकि प्रांगण पूरा खाली है। ये दशहरा का जो है आज सातवीं दिन है, वो सातवीं का ये माहौल है और काफ़ी अभी शांत माहौल है और बहुत ही शांति तरीका से पूजा पाठ भी कराया जा रहा है। ये हम लोग मिराल से आए हुए हैं। मिराल से कैसा, यहाँ दो साल के बाद आपका गढ़देवी माँ का दरबार खुला हुआ है? इससे पहले जब बंद था तो आप लोग पूजा पाठ घर में करते थे या कहीं मंदिर? एक घर पे करते थे, मंदिर में लॉकडाउन में नहीं गए हैं कहीं, तो खुली है ये, तो माँ का पूजा है इसलिए हम लोग आए हैं। माँ का दर्शन कर लिए? हाँ कर लिए। क्या दो साल बाद जो दरवाज़ा खुला तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इतने दिन के बाद माँ से मिले। जी जी जी, क्या नाम हुआ था? रोमा कुमारी। हम डंडई से। डंडई से कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माँ का दर्शन करके, पूजा करके। हाँ। इससे पहले भी कभी आए थे या फर्स्ट टाइम? नहीं, पहले भी आते हैं, हमेशा आते रहते हैं बीच में। हाँ। दो साल के अंदर में भी कभी आए थे? नहीं, अभी लॉकडाउन में नहीं आए थे। नहीं आए। और आने वाला समय में भी आएंगे? हाँ, आने वाला समय भी हमेशा आएंगे। यहाँ माँ का बहुत मनोकामना, हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे माँ की। हाँ, क्या कुछ मन में ऐसा सोच के आए थे क्या, कुछ मनोकामना है जो आपका पूर्ण हुआ है या फिर आप लेके आए? हाँ, हर मनोकामना पूर्ण होता है जो भी यहाँ बोलते हैं। कुछ ऐसा मनोकामना है जो आपका पूर्ण हुआ होगा? जो पूर्ण हुआ होगा। हाँ होता है, बहुत मनोकामना है ऐसे पूर्ण होता है यहाँ माँ का। बहुत बताइए जो हुआ है। हो जाते सब चीज़ होता है। जी बिल्कुल, ये जो थे, हालांकि हमारे साथ बाबा भी मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग मंदिर का जो व्याख्या के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जी बाबा, परिचय बता दीजिएगा। ऋषिकेश पांडे नाम हुआ। ये मंदिर में पूजा पाठ कब से हो रहा है और लोगों का जो इसके ऊपर जो एक ये होता है, श्रद्धालु होता है, क्या देखिए, मंदिरों में पूजा तो वर्षों से चला रहा है, 100 वर्षों से ऊपर माँ का मंदिर स्थापित है, तो सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन 1997 में मंदिर ट्रस्ट का हुआ, उसके बाद से मंदिर का जो विकास है वो थोड़ा सा तेज हुआ और उसके बाद माँ का आस्था इतना है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु केवल दर्शन करते हैं, उनके दर्शन मात्र से सारी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना मांगे सब कुछ देती हैं। और इस नवरात्र में देखा जा रहा है, दशहरा के जब दौर आता है, जब पर्व आता है, काफ़ी लोगों का लाखों लाख की संख्या में यहाँ पर भीड़ लगाती है, तो माहौल कैसा रहता है, शांत रहता है या फिर? देखिए क्या है कि पिछले 2 साल में तो मंदिर बंद थी, पिछले दशहरा में भी सारे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, कोरोना महामारी ऐसी स्थिति आ गई थी उसको ध्यान में रखते हुए, इस बार भी जो यहाँ के ट्रस्ट के लोग हैं, वॉलंटियर हैं, और यहाँ तक कि जो भक्तगण आ रहे वो भी सब काफ़ी सहयोग किए और सारे सरकार के गाइडलाइन को पालन करते हुए भगवान माता जी के दर्शन किए, माता जी का दर्शन लाभ लिए। आज सप्तमी है, सप्तमी में आज भगवान का पट खुला और मातेश्वरी का सब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, सब कुछ हुआ। नहीं, यहाँ आते तो ज़रूर हैं, लेकिन अभी कुछ लोग अपने से भी संयमित हैं। हाँ, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि अभी जिस तरह की महामारी फैली हुई है इसमें तो हम लोग को थोड़ा सा दूरी बना करके रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें बाबा जी, अगर 2 साल पहले जिसमें लॉकडाउन नहीं लगा था, कोरोना का कोई ऐसा चर्चा नहीं था, उस समय की स्थिति मंदिर का क्या रहा होगा? उस समय तो संख्या में भीड़ लगती होगी। भीड़ तो काफ़ी लगती है, फिर भी अंदाजा है?
अंदाजा मतलब कि ये समझिए कि परिसर में 10,000-5,000 हमेशा लोग रहते हैं, आना जाना लगा हुआ रहता है। इस बार तो पिछले बार तो एकदम कम थी, क्योंकि पिछले बार बहुत ज़्यादा था प्रकोप था और बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए भी थे, लेकिन अभी देखिए सरकार की तरफ से वैक्सीन निकल गया, बहुत लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, कोई एक ठू ले लिया, कोई दो ठू ले लिया, इससे कुछ सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो पिछले साल से कुछ ज़्यादा भीड़ है, हाँ, लेकिन फिर भी जो भीड़ रहनी चाहिए काफ़ी कम है जी। ये जो दशहरा का जो माहौल है, काफ़ी लोगों का, श्रद्धालु लोगों का भीड़ जो लगा रहता है, वो अभी का माहौल क्या है, कैसा है? क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन के हिसाब से काफ़ी जगहों पर मंदिर को खोल दिया गया है और पूजा पाठ भी बहुत ही शांति तरीके से किया जा रहा है, भीड़ भड़ाका बिल्कुल भी नहीं है, और आप कैमरा के माध्यम से भी देख सकते हैं बहुत कम भीड़ है। हमारे साथ कंचन साहू उपस्थित हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो दशहरा के लेके जो भीड़ भड़ाका हो, वो कैसा माहौल है? देखिए, कोरोना महामारी ने बहुत लोगों को खोया है और 2 सालों तक हम लोग अपने धर्म से या अपने कर्तव्य से विमुख हुए। पहली बार 2 सालों के बाद पहली बार सरकार के द्वारा कुछ छूट दी गई पूजा अर्चना की। लोगों में उत्साह है और ख़ासकर आज पूरी तरीके से माँ गर्दीवी जी के यहाँ स्थापित श्री माँ दुर्गे जी की प्रतिमा में चक्षुदान और प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया है। लोगों में भक्ति का पूरा माहौल है। निर्माण कमेटी और न्यास कमेटी के अध्यक्ष श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी और निर्माण कमेटी के अध्यक्ष श्री विनोद जायसवाल जी के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। कोरोना का जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है, चप्पे चप्पे पे सबका जानकारी दिया जा रहा है। ध्वनि विस्तारक केंद्र से भी लोगों को बताया जा रहा है और कई तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं, लेकिन ये उत्साह है। थोड़ा जानकारी ये दीजिएगा, जैसे वो काफ़ी भीड़ भड़ाका होती है इस पर्व को लेके, तो कैसा माहौल यहाँ पर, कैसा? देखिए, पर्व का मस्ती ही उत्साह के रूप में देखा जा सकता है। पर्व में अगर भीड़ न हो, लोगों में उत्साह न हो, तो पर्व का कोई मज़ा नहीं था। आनंद आने का सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, या हमारे गर्दी मंदिर के जितने भी युवा कर्मठ कार्यकर्ता जो हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग अपने अपने जगह को चयन कर लिया गया है। चूँकि 1997 से न्यास बना है, 1997 के बाद सार्वजनिक लोगों का यहाँ पर उपस्थिति लगातार रही। कंचन जी, हम जानकारी ये लेना चाहेंगे, अगर वो कोविड की अगर हम हटा देते हैं, 2 साल पहले अगर हम जाएंगे, तो लगभग क्या यहाँ के जो भक्त लोग हैं, क्या यहाँ का भीड़ लगता होगा? देखिए, निश्चित रूप से अभी कोरोना का असर आज भी दिखाई दे रहा है मंदिर में, जिसका असर गर्दी मंदिर के अंदर भी है और गर्दी मंदिर के बाहर जो गरीब निर्धन हमारे जो व्यवसायी हैं, प्रसाद विक्रेतागण हैं, जो स्टॉक भी रख लिए थे भारी मात्रा में, लेकिन अभी सप्तमी का जो आज भीड़ है, वो हमें लगता है कि पूर्व में जो सप्तमी का भीड़ होता था, वो 20% ही मान के चले। अब तक सप्तमी में, अब तक हम लोग को मंदिर का सफाई करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था, आज मंदिर आज सब बिना सफाई के भी साफ है। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आ रही, अभी भी लोग एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन असर बहुत पड़ा है जी। बिल्कुल, जगह जगह पर देखा जाए तो काफ़ी ट्रस्ट के लोग हैं और प्रशासन भी काफ़ी सहयोग कर रही है, जो भीड़ लगती थी जो यहाँ। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहाँ पर बच्चों को रहने, खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है।